फातिहा। थोड़े थोड़े चलो बच्चे काफी जगह। अऊज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین و لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ صَلَوَاتٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ بزرگان عزیز اور برادران ایمان علاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पाकीज़ा सवातों की बारगाह में आज हम अपने मुताहर सिलसिले गुफ्तगू के चौथे मरहले के आगाज की सआदत हासिल कर रहे हैं। तीन रोज तक मुसलसल जो गुजारिशात जो मारूज़ात और कुरान मजीद की आयात की बुनियाद पर जो अफकार आपके जहनों के हवाले करने की सआदत हासिल की जा चुकी है, इस यकीन के साथ कि वो तमाम बातें आपके मजबूत और मुताहर हाफ़ज़ों में महफूज होंगी, उन्हीं से मुत्तसिल बिला फसल और मरबूत होते हुए आज की ये गुजारिश भी हदीया समात है। कायनात के वारिस और कुरान मजीद के उन्वान पर यह चौथी गुफ्तगू है। कुरान मजीद के 35वें सूरह यानि सूरह मुबारक अल-फातिर की 32वीं आयत के हवाले से कायनात का परवरदिगार इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाता है, इरशाद होता है, सुम्मा औरसनल किताब अल-लज़ीन इस्तफ़ईना मिन इबादिना, हमने रसूल के बाद पैगंबर के बाद सरकार खत्मी मर्तबत के बाद इस कायनात का वारिस अपनी किताब का वारिस और अपने तमाम दुनिया का वारिस मालिक मुख्तार साहिब इख्तियार और साहिब इख्तदार अपने बंदों में से उन अफराद को करार दिया जिनको हमने मुस्तफ़ा बनाया, जिनका हमने इस्तफा किया, जिनको हमने चुन लिया, जिनको हमने मुंतखब कर लिया, मुमताज बना दिया, सुपीरियर बना दिया, सबसे बुलंद सबसे आला और सबसे अफजल करार दिया, उन्हीं को हमने कायनात का वारिस और कायनात का मालिक बनाया। तवज्जो कीजिएगा, यानी ये विरासत कायनात या विरासत किताब या विरासत रसूल किस बुनियाद पर अल्लाह ने दी, किस बेस पर, किस असास पर,
किस सबब से, किस वजह से और किस रीजन से इनको अल्लाह ने वारिस बनाया? इस्तीफा की बुनियाद पर, इंतखाब की बुनियाद पर, चुनाव की बुनियाद पर, सिलेक्शन की बुनियाद पर। किसने चुना? अल्लाह ने खुद चुना, अल्लाह ने खुद मुस्तफा बनाया। मुस्तफा का बहुत सिंपल सा तर्जुमा है बेऐब बनाया, बेदाग बनाया, कोई नक्स नहीं है। उनकी विलादत भी पाकीजा, उनकी तखलीक भी पाकीजा, उनकी तरबियत भी पाकीजा, उनकी परवरिश भी पाकीजा, वो जिस गोद में पले वो भी पाकीजा, वो जिस घर में पैदा हो वो भी पाकीजा। हर एतवार से जहाँ तहारतों का नुजूल हो, जहाँ तहारतों की मूसलाधार बारिश हो, जहाँ तहारतों का माहौल हो, जहाँ तहारतों की कैफियत हो, वहाँ पर मुस्तफा बंदे होते हैं। अल्लाह उन्हें मुस्तफा करार देता है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने कुछ मुस्तफा बंदों का नाम ले लेके जिक्र किया है कुरान में, ताकि लोगों के जहन में कोई शुभा, कोई कंफ्यूजन, कोई कंट्राडक्शन, कोई टकराव, कोई तसादुम, कोई शक, कोई डाउट या कोई तशाबो न रह जाए। अल्लाह ने कुछ मुस्तफा बंदों के नाम भी लिए, और नाम लेने के बाद अल्लाह ने बड़े अजीब अंदाज से सूरह आले इमरान में बराबर आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को चुना, आदम का इंतखाब किया, आदम को मुस्तफा बनाया, और फिर वनूहन, नूह को मुस्तफा बनाया, फिर आला इब्राहिम व आला इमरान, इब्राहिम की औलाद को मुस्तफा बनाया और इमरान की औलाद को मुस्तफा बनाया। अल्लाह मुस्तफा बना रहा है, बेहैब बना रहा है, बेदाग बना रहा है, और फिर उसने नाम लिया मलाइका के जरिए, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहारा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, ए मरियम, अल्लाह ने आपका इंतखाब कर लिया, आपको मुस्तफा बना दिया, आपको मासूमा बना दिया, आपको हर ऐब से दूर रखा। जो आम औरतों में नकायस होते हैं उनसे भी मरियम को महफूज रखा, जनाब मरियम को हमा वक्त पाकीजा बना दिया। जमाने की तमाम औरतें हर महीने में कुछ दिन के लिए एक मजबूरी से दो चार होती है कि जब वो नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन अल्लाह ने मरियम को बतूल बना दिया, अल्लाह ने मरियम को मुस्तफया बना दिया। क्यों बनाया? इसलिए कि गोद में रसूल पलने वाला था और शिकम से मासूम पैदा होने वाला था। तो कुरान हर एक की बात अलग अलग थोड़ी करेगा, वो तो मिसालें देता है, वो तो आइडियल्स देता है, वो तो आपको स्केल और पैमाना देता है। आप समझ लीजिए, अल्लाह ने मासूम की माँ बनाना था तो पहले ही बतूल भी बनाया, हर ऐब से पाक रखा। तो चाहो, यानी अल्लाह बताना चाहता है कि मैं खाली मासूम ही को बेऐब नहीं रखता, बल्कि मासूम की माँ को भी बेऐब रखता हूँ। ऐबदार औरतों से मासूम पैदा नहीं होते। गुनाहगार माँ का बेटा मासूम नहीं होता, इसियाकार माँ का बेटा, दागदार माँ का बेटा मासूम नहीं होता। मासूम कौन होता है? कि जिसकी माँ मुस्तफ़ाया हो, जिसकी माँ बतूल हो, जिसकी माँ सिद्दीका हो, मुताहरा हो, वही मासूम होता है। अल्लाह ने मरियम को मासूम बनाया। अब साहब यहां तक आ गए आप, लेकिन परवरदिगार विरासत देगा इस्तफा की बुनियाद पर, मुस्तफा बनाएगा तो वारिस बनाएगा जो बंदे मुस्तफा। अब ये मुस्तफा बंदे कौन है भाई? तो आगे बढ़िए, इस्तफा किस बात पर किया, इंतखाब किस बुनियाद पर किया, किस बेस पर किया? तो इंतखाब करता है इल्म की बुनियाद पर। जहां इल्म होता है वहां इंतखाब होता है, वहां इस्तफा होता है। अल्लाह इल्म वालों को मुस्तफा बनाता है, जाहिलों को मुस्तफा नहीं बनाता। जहां इल्म हो, जहां कायनात की जानकारी हो, जहां पूरी कायनात का इल्म हो, जहां हर तरह का इल्म हो, वहां पर इस्तफा होता है। अल्लाह मुस्तफा उन्हीं बंदों को बनाता है जिनको आलिम बनाता है, जो इल्म पर पैदा होते हैं। अब इल्म पर पैदा कौन होते हैं? देखिएगा,
जिससे इल्म कभी जुदा ना हो वही मुस्तफा बनेगा। अब गैरे मासूम तो मुस्तफा बन ही नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह ने जिसको भी पैदा किया कायनात में जाहिल पैदा किया। और करिएगा जरा समझा कीजिए बात, बता क्या ना कौन बनेगा मुस्तफा, वारिस कौन बनेगा मुस्तफा का, रसूल का कायनात का वारिस कौन बनेगा, मालिक कायनात कौन बनेगा, मुस्तफा। मुस्तफा कौन बनेगा, जो इल्म पर पैदा हो, जो मकाम इल्म पर हो, जरा सी देर के लिए भी इल्म से दूर ना हुआ हो, इल्म से महरूम ना हुआ हो। लेकिन कायनात के लिए देख के जाइए, पढ़िए कुरान। अब मैं क्या करूं, रवायत ववायत तो मैं पढ़ता नहीं, हदीस पढ़ता नहीं, कुरान की आयत आपको पेश किए देता हूँ, सूरह नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का और 78वीं आयत 78 नंबर, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतुन उम्महातिकुम ला तअलमून शैअ। देखो जमाने वालों, दुनिया वालों, चाहे वो खलीफा हो, सहाबा हो, ताबीन हो, तबे ताबीन हो, मौलवी हो, मुल्ला हो, कतीब हो, वाइज हो, मुकर्रर हो, शायर हो, हाफिज हो, कारी हो, कोई भी हो, मुज्तहिद हो, काजी हो, मुफ्ती हो, आयतुल्लाह हो, हुज्जतुल इस्लाम हो, कोई भी हो, हर एक से खिताब है अल्लाह का, वल्लाहु अखरजकुम, हमने तुम्हें जाहिर किया, कहां से जाहिर किया, हमने तुम्हारी माओ के पेट से तुम्हें पैदा किया, मगर किस हालत में पैदा किया, ला तअलमूना शैअ, तुमको जानते ही नहीं थे, तो जो भी पैदा हुआ है वो जाहिल पैदा हुआ है, और जो जाहिल पैदा हो वो मुस्तफा नहीं हो सकता, और जो मुस्तफा नहीं हो सकता वो वारिस नहीं हो सकता। और जो अब ये एक चैन है, एक तसलसल है, एक कैफियत है कुरान मजीद की, अल्लाह जिसको भी पैदा किया, जितना भी बड़ा इंसान हो, किसी को भी आप ले आइए, वो जाहिली पैदा हुआ है दुनिया में। मैं जिस मरहले पर अब आपको लाना चाह रहा हूँ ना, वो आपको हैरत में डाल देगा। दुनिया का कितना भी बड़ा आलिम आप पकड़ लाइए, लेकिन उसकी इब्तदा क्या है, जहालत, पैदा क्या हुआ था, जाहिल। ये कुरान का कायदा, सारी कायनात को जाहिल पैदा करने वाले परवरदिगार ही ने कुरान में एक लाइन खींची, खते इम्तियाज, और अब उसने मुस्तफा बंदों का तारुफ कराया, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, मगर मैं वो रहमान हूं कि मैंने पहले किसी को कुरान पढ़ाया फिर पैदा किया। सुनाई नहीं आपने, एक तरफ पूरी कायनात को क्या तारुफ दिया अल्लाह ने कि सब जाहिल, ला तअलमूना शैअ, कुछ नहीं जानते थे, सबसे खिताब है, सबसे कह रहा है अल्लाह, तुम जाहिल पैदा हुए हो सब, अगर दम है, अगर हिम्मत है तो अल्लाह के इस चैलेंज को रिजेक्ट कर दे कोई, कि ये गलत कह रहा है परवरदिगार, में तो आलिम पैदा हुआ था, सभी जाहिल पैदा हुए, तो हर एक कोई जाहिल पैदा हुआ, सारी दुनिया इंसानियत वो है जो जाहिल पैदा हुई, और वो कौन है जिन्हें पहले कुरान पढ़ाया और बाद में पैदा किया, पहले पढ़ाया बाद में पैदा किया, ताकि पैदा करने के बाद पढ़ाने का अगर सिस्टम कायम करता तो कुछ दिन के लिए तो जाहिल रह जाते, तो फिर मुस्तफा ना बनते, मुस्तफा ना बनते तो वारिस ना बनते, तो अल्लाह ने पहले उन्हें इल्म दिया। अब कौन है, अब नाम तो लिया नहीं अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला ने कहा रहमान, मैं रहमान हूं, रहमतों वाला हूं, मेरी रहमतें तो आम है ना, अजा रहमान क्यों हूं, मैं रहमान इसलिए हूं कि अल्लमल कुरान, मैंने खुद पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, अल्लाह कह रहा है मैंने पढ़ाया, किसे पढ़ाया, खलकल इंसान, अल इंसान को पढ़ाया, हर इंसान को नहीं, इंसान और है और अल इंसान और है, अलिफ लाम की किस्में हैं, इंसान पे अल लगाया, अल अलिफ लाम मार्क का, ये मारे पका है, क्या है, इसकी कुछ किस्में है, 72 किस्में है अलिफ लाम की,
मगर सब तो नहीं बयान कर सकता ना, तीन बयान किए देता हूँ। अलिफ लाम तख़सीस के लिए, अलिफ लाम ताज़ीम के लिए, अलिफ लाम तहसीन के लिए। यहाँ पर क्या मतलब हुआ, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान उसे पढ़ाया, जो सबसे ज्यादा मखसूस इंसान उसे पढ़ाया, जो सबसे ज्यादा अजीम इंसान उसे पढ़ाया। अब कौन है अजीम, कौन है मखसूस, कौन है हसीम, कौन है सबसे ज्यादा हसीम अल इंसान, जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ा के पैदा किया है ना, उसका नाम क्या है कुरान में, अल इंसान। हर एक कोई नहीं है, वो एक मखसूस इंसान है। उसका लकब, उसका टाइटल, उसकी जानकारी, उसकी पहचान, उसकी अलामत, उसकी शनाख्त क्या है, वो अल इंसान है। तो चलो तलाश करें कुरान में ये अल इंसान कौन है। आप मेरे साथ चलेंगे ना, हम उस इंसान का पता लगाने चले जो अल इंसान है, जिसे अल्लाह ने कुरान पढ़ाकर पैदा किया है। चले साहब, कुरान मजीद का 30वां पारा और उसका सूरा नंबर 90, अल बलद, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस मक्के शहर की कसम खाता हूँ, मक्के की कसम, इस सिटी की कसम, इस मदीने की कसम, इस शहर की कसम, कौन से शहर की कसम, मक्के की कसम, ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह कह रहा है मैं मक्के की कसम खाता हूँ। परवरदिगार कौन से मक्के की, जिसमें अबू जहल है, जिसमें अबू लहब है, जिसमें अबू सुफियान है, जिसमें अतबा है, जिसमें उतैबा है, जिसमें शाहर है, है वाइल है, जिसमें आस है, जिसमें शैबा है, जिसमें मुशरिक है, जिसमें काफिर है, जिसमें मुनाफिक है, जिसमें बेदीन है, जिसमें अय्यार है, जिसमें मक्कार है, जिसमें गद्दार है, जिसमें नजीस है, जिसमें पलीद है, जिसमें बुत है, जहां इजाजतें भी जा सकते हैं, उस मक्के की कसम खा रहा है का खामोश, मक्के की कसम मैं किस बिना पे खा रहा हूँ वो समझो, लाहौर से वो बिहाज़ल बलद, मैं कसम खाता हूँ इस शहर मक्का की, क्यों कसम खाता हूँ, अब रीजन बताया कसम खाने का, वह अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरे मोहम्मद तू इस शहर में रहता है। हाजर बलद, मैं शहर मक्का की कसम खाता हूँ, क्यों खाता हूँ पता, इसलिए खाता हूँ अंता हिल्लुन बेहाजल बलद, हबीब तू मक्के में रहता है, इस शहर की जमीन ने तेरे तलवों को चूम लिया, तेरे कदमों से मस हो गई ये जमीन, इसलिए लाए थे कसम बन गई। और करिएगा क्यों बनी भाई लाके कसम, आप जिंदा बैठे हैं ना, आप होशियार बैठे हैं ना, बेदार है ना, आप हैरत में क्यों हैं? अरे भाई जा अबू लहब अबू जहल ये शैतानी गरो हो जाए सारे मक्कार गद्दार सरकश सरदार बेगैरत बेहूदे मस्खरे सारे के सारे वहां मौजूद हो, फिर कसम क्यों खा रहा है खुदा, मक्के की कसम किस लिए खा रहा है? तो अल्लाह ने कहा मैं इसलिए खा रहा हूँ कि इस सरजमीन को शरफ है, इसलिए मोहम्मद के कदम चूम लिए, और जो चाह रहा मोहम्मद के कदमों को चूम लिया, लिहाजा करें आप ये जमीन लायक कसम बन गई। और जो करेंगे आप क्यों बनी लायक कसम, इसलिए लायक कसम बनी कि इसने मक्के के मक्के की जमीन में मोहम्मद के कदम चूमे, तो ये चूमा तो अल्लाह ने इसको आयत बना दिया, और जब आयत बनी तो कुरान पढ़ो, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने कुरान की हर आयत को शिफा बना दिया। तो ये आयत क्यों बनी शिफा, इसलिए कि उस जमीन का जिक्र है जिस जमीन ने मोहम्मद के तलवों को चूमा, तवज्जो चाह रहा हूं, तो जहां मोहम्मद के तलवों को चूमने वाली जमीन का तज़किरा आ जाए वहां तो शफा बन जाए, तो जिस जमीन पर दोषे मोहम्मद यह मंजिल। अब क्या है साहब, एक इंसान का तारुफ इंट्रोडक्शन और अलामत और पहचान और शराब बताना चाह रहे, कौन है वो इंसान जो कुरान पढ़ के पैदा हुआ, गौर करिएगा। अब कमाल है, अल्लाह इंसान बताने चला है, लाओ उससे वो बेहाजल बलद,
شہر مکہ کی قسم, اس شہر کی قسم, وانت ہلم بہذا بلد, اللہ جانے آپ کہاں ہوں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات کو لائٹ نہ لیں, اس لیے کہ میں روایتیں نہیں پڑھ رہا ہوں, واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں, اپنا خیال نہیں پڑھ رہا ہوں, میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں ابھیل رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بحاضر بلد, اس شہر مکہ کی قسم, وانت ہلم بحاضر بلد, اور قسم اس لیے کہ محمد اس مکے میں تو ہے, تو جو چاہ رہا ہوں. اور پھر کس لیے علاقے قسم بنا, یہ نہ سمجھنا کہ خالی محمد کے ذریعے لے کے قسم بن گیا. محمد تو ہے ہی, ایک کاکی کی بات کہی, وہ والدین وما ولد, ایک باپ کی قسم اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم. کتنی باتیں ہو گئی؟ تین باتیں. ہر انسان ایسے ہی تھوڑی ملے گا, جو قرآن پڑھ کے پیدا ہوا ہے وہ انسان ایسے نہیں ملے گا. آپ نے بالکل شاید اس مرحلے پر تھوڑی اپنے ذہنوں پر دبش نہیں ڈالی ہے, محسوس نہیں کرنا چاہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے مکے کی قسم, اور دو وجہوں سے مکے کی قسم, ایک تیری وجہ سے میرے حبیب مکے میں تم ہو اس لیے لائق ہے قسم, اور ایک کائے کی قسم, والدین وما ولد. میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں یہ آیت پڑھ کے جو ترجمہ کر رہا ہوں, سب نے غلط ترجمہ کیا ہے, ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں, سب نے اس آیت کا غلط ترجمہ کیا. بڑے بڑے ترجمہ کرنے والوں سے غلطی ہوئی, سب نے ترجمہ کر دیا ایک باپ کی قسم اور ایک بیٹے کی قسم. نہیں, ایک باپ کی تو ہے وہ والدین, ایک باپ کی قسم, ایک بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وما ولد, ایک باپ کی قسم اور اس کے سارے بیٹوں کی قسم, اس باپ کے یا جو پیدا ہوا اس کی قسم. تو کوئی باپ ہے کائنات میں ایسا کہ جس کے سارے بیٹے لائق کے قسم ہو؟ جس کے سارے بیٹے لائق کے قسم ہو, اور قسم کمال کی بنیاد پہ کھائی جاتی ہے. جہاں کمال ہو وہاں قسم ہوگی, جہاں نقص اور عیب ہو وہاں قسم نہیں ہوگی. آپ نے کبھی عیبدار کی قسم کھائی ہے؟ آپ نے کبھی دامدار کی قسم کھائی ہے؟ بتائیے کوئی کھاتا ہے قسم؟ جھوٹ کی قسم کھاتا ہے کوئی؟ نہیں کھاتا نا. کمال کی قسم ہر جگہ پہ, حسن کی قسم, کمال کی قسم, جہاں کمال ہو وہاں قسم. اللہ کہتا ہے وہ والدین وما ولد, سمجھ میں آ رہی نا بات؟ عربی گرائمر کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. وما مائے موصولہ, وما ولد, جو اس کے گھر پیدا ہوا. ایک باپ ہے اس شان کا کہ جس کا گھر اس مرتبے پر ہے کہ جو بھی بچہ اس میں آیا وہ لائق قسم. ممبر پہ بول رہا ہوں میں, ایک باپ ہے. تو مسلمان تلاش کر کے بتا قرآن پڑھ کے, وہ باپ کون ہے جس کے سارے بیٹے لائے تھے قسم؟ تو اب صاحب چلے لوگ, وہ کہ وہ آدم ہے, آدم کی قسم, آدم کے بیٹوں کی قسم. خاموش, آدم لائق قسم ہو سکتے ہیں مگر آدم کے بیٹے لائق قسم نہیں ہے, اس لیے کہ دو بیٹے ہیں, ایک حابیل ایک قابیل, ایک قاتل ایک مقتول, ایک ظالم ایک مظلوم, ایک ملعون ایک سلواتی ایک لعنتی. اور جو چاہ رہا دو ہے, حابیل اور قابیل. ایک قتل ہوا, ایک نے قتل کیا, ایک مظلوم بنا, دوسرا ظالم بنا, ایک رحمت اللہ ایک لعنت اللہ. تو اللہ اللہ ہے, اللہ تھوڑی ہے, ظالم بھی رضی اللہ. اللہ ایسا تھوڑی کرے گا نا. اچھا آپ تو تھکے بھی لگ رہے ہیں مجھے. ظالم بھی رضی اللہ اور مظلوم بھی رضی اللہ.
अल्लाह के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है ना, वो तो कहता है लानतुल्लाह है ना जालिमीन, जालिमों पर अल्लाह की लानत है। तो भाई अल्लाह दोनों की कसम खाएगा, जालिम की भी और मजलूम की भी। तो आदम के बेटे तो है नहीं लायक कसम। तो अब जो अल्लाह कुरान के सूरह में कह रहा है कि मैं शहर मक्का की कसम खा रहा हूं और तू इस मक्के में है और एक बाप की कसम और उसके सारे बेटों की कसम, तो यार बाप से मुराद आदम नहीं है और ना आदम के बेटे हैं। कन्नू होंगे नूह भी नहीं, नूह भी नहीं, इसलिए कि नूह का बेटा तो खुद सबसे बड़ा बागी है, कश्ती छोड़ के चला गया। नूह की कसम हो सकती है नूह के बेटे की नहीं? जो करें क्या नहीं देखा आपने, कुरान मजीद नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा ना सूरह हूद 11वां सूरह, कश्ती बनी बड़े एहतमाम से बनी, बड़ी एहतियात से बनी, बड़े इंतजाम से बनी, वही की निगरानी में बनी, अल्लाह के सामने बनी, उसके हुक्म पर बनी, उसके डायरेक्शन पर बनी, कश्ती बन रही है ना, कश्ती है नजात, और जो चाह रहा हूँ नजात की कश्ती बन रही है। और अल्लाह का नूह जैसा नबी बना रहा है, बनाओ। और जब बनी और चली तो पढ़िए आप सूरह हूद 11वां सूरह 42-43 आयत, हजरत नूह ने मोमिनों को बिठा लिया कश्ती के अंदर और जब सब मोमिन मर गए तो देखा वनादा नूह इब्नहु वहुवा फी माज़िलिन, हजरत नूह ने अपने बेटे को पुकारा, देखा कि वो एक किनारे खड़ा हुआ था। काना या बुनैया कर माना, बेटे आजा कश्ती में बैठ जा हमारे साथ, वला तकुन माल काफिरीन, काफिरों के साथ ना जा। और जो चाह रहा फतवा तो दे दिया नूह ने, जो कश्ती को छोड़ दे वो काफिर। जो कश्ती को छोड़ दे वो काफिर। हजरत नूह फतवा दे रहे हैं, इरकब माना मेरे साथ कश्ती में आ जा, वला तकुन माल काफिरीन, काफिरों के साथ ना जा, काफिर न बन। अगर बात गलत होती तो टोक देता परवरदिगार, मगर अल्लाह ने कयामत तक कुरान में इस आयत को लिख दिया कि जो कश्ती को छोड़ के जाए वो काफिर। नबी का फतवा है तो क्या कश्ती नूह पे खत्म हो गई? कई और कश्ती नहीं बनेगी। मेरे पैगंबर ने कहा मसलो अहले बैती कमिसले सफीनते नूह, मेरे अहले बैत भी नूह की कश्ती की तरह है। नारे हैदरी, मेरे नूह की मिसाल सलवात पढ़े मोहम्मद कुछ ऐसा लग रहा है कि आज मजलिस में ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ गए, ज्यादा पढ़े लिखे लोग शायद आ गए। सलवार पढ़िएगा मोहम्मद आलम। अच्छा साहब, रसूल कह रहे हैं अपने बेटे से आ बेटे आ चला आ कश्ती में बैठ जा, अजाब है तूफान है हवा है मौजे उठ रही है, अल्लाह गैज में है गजब में है, गुस्सा है, तौहीद को धर्म बढ़ा में मामला सारा सिस्टम खराब हो गया, उठ रहा है तूफान, चल रही है कश्ती, खड़ा है बेटा पहाड़ पर, आ जा लगते जगह। कहता है नहीं आऊंगा। काला सावी अला जबलिन, यहां से बोली बाबा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। अब ये कुरान मजाक है? एक डूबने वाले मर्दूद मलून मजलूम जालिम और खाती और गुनाहगार और जहन्नमी लड़के का जिक्र कर रहा है कुरान, वो कुरान जिसमें दो रकत नमाज का तस्करा नहीं है, उसमें इस लड़के का जिक्र क्यों आया? जरा सोचिए, जागिए, बेदार होइए भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दो रकत नमाज है कुरान में, कैसे पढ़े कहीं नहीं है, रोजा कैसे रखे है कुरान में, हज कैसे करें है कुरान में, न्यू पोर्टो में तो हाजी बहुत ज्यादा है। ज्यादा हाजी है माशाल्लाह, हज्जने भी बहुत है, मर्द हाजी औरत हज्जन दोनों ही तरफ है, हाजी भी है हज्जने भी है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कुरान में हज की डिटेल्स है? मौलिन की जरूरत ना पड़ती, और करिएगा तो कमाल है साहब, ना हज का तस्करा
تفصیل، نہ نماز کی تفصیل، نہ روزے کی تفصیل، کہیں کی بھی ڈیٹیلس نہیں قرآن میں. اور ایک بےہودے جہنمی نجیس مردود ملعون لعنتی لڑکے کا ذکر، اور اتنا ذکر کیا. کیوں کیا ذکر؟ اللہ نے کچھ بتانے کے لیے کر رہا ہے نا. اگر کیا ذکر تو اس کی بات کو بھی قرآن میں لکھا. باپ رسول ہے، بیٹے سے کہہ رہا ہے آجا کشتی پر، وہ کہہ رہا ہے نہیں آؤں گا. کہ بیٹے آجا، اگر بچنا ہے تو آجا. تو اسے کہا نہیں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. کشتی کے مقابلے پر پہاڑ کو لایا. ارے بھائی رسول کے پاس پلا تھا کہ نہیں؟ نیو کے سینے پہ رہا. یہ جو جانا چاہ رہے لڑکے چلے جائیں، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں بھائی. یہ والدین کو سمجھانا چاہیے، بچوں کو بتانا چاہیے مجلس کے آداب ہوتے ہیں. مجلس پہ بیٹھنے کے، سننے کے، ہر چیز کا ایک اخلاق، ایک کیفیت اور ایک تربیت ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد والا. لا شعور بچے اگر کریں تو کوئی بات نہیں، سمجھدار بچے جب ایسی حرکت کرتے ہیں تو ذرا سا عجیب سا لگتا ہے. تو کیا کہا بھائی؟ رسول کے سینے پر پلا، نو کے سینے پر پلا. باپ رسول ہے، اولو لفظ پیغمبر ہے. کتنا بڑا ہے، کمال ہے صاحب. تو کیا نبی کے ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کے کھاتا رہا؟ نبی کے ساتھ چادر میں سوتا رہا، پہلو میں رہا، زانوں پہ بیٹھا. کمال ہے بھائی. یہ صحابی تھوڑی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ تو بیٹا ہے. لحاف میں سو سکتا ہے، کاندھے پہ بیٹھ سکتا ہے، پشت پہ آ سکتا ہے، کہیں بھی چادر میں سو سکتا ہے، نبی کے بنے ہوئے ہاتھوں سے لقمے کھا سکتا ہے. ساری بات ہے کہ نہیں؟ تو اتنا قریب ہے نبی کے، رسول کے. حضرت نو سے کچھ سیکھا نہیں، پر ایک آدھ اس میں اعظم سیکھ لیتا. کیا تجھے پتا نہیں چلا؟ اور تو نے کہا نبی کے مقابلے میں کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ جو نہیں کہا کہ آسمان پہ چلا جاؤں گا. کچھ تو سیکھا ہوگا. یہ جو نہیں کہا کہ سمندر کی تہ میں چلا جاؤں گا. یہ جو نہیں کہا کہ درختوں کی چوٹیوں پہ بیٹھ جاؤں گا. اور کرے گیا؟ کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا، پہاڑ پہ چلا جاؤں گا. اور جب پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، اللہ نے فوراً قرآن میں لکھ دیا. تو جو جا رہا پروردگار کیوں لکھ رہا ہے؟ کل نبوت کے باغی کی تاریخ لکھ رہا ہو، نہیں سمجھے؟ رسالت کے باغی کی ہسٹری لکھ رہا ہو کہ جب جب نبی کو چھوڑ کے بھاگا جائے گا تو پہاڑ پہ چڑھا جائے گا. بابا چڑھ جاؤں گا میں پہاڑ پر. اب ہمارے یہاں یورپ میں زیادہ پریشان ہوتے ہیں لوگ. فریڈم ہے اللہ کی، یہاں زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ نہ پڑھا جائے، وہ نہ پڑھا جائے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اور کہیے گا اب میں آپ کو کس منزل پہ لا رہا ہوں. ارے بھائی وہ مر گئے، اب کیا ان کو برا کہنا؟ اب کیا ضرورت ہے؟ اب کیا فائدہ برا کہنے سے کسی کو؟ اب تو نہیں کہنا چاہیے، برا نہیں کہنا چاہیے. فلا ہے، اے بھائی نبی کے قریب تھے، یہ تھے، وہ تھے. قرآن سے پہلے یہ آیت نکال دے تو نبی کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا. وہ صاحب بروں کو برا نہ کہیے. اب دیکھیں میں لپیٹوں گا بہت کس کے اور بہت مضبوط طریقے سے. یہ جو فیور کرتے ہیں نا، آج وہ پکڑے جائیں گے. پورے لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جناب نو کے نالائق بیٹے کا درجہ کیا اپرادھ ذکر کیا، اچھائی کے ساتھ کی برائی کے، برائی کے ساتھ رہے گا قیامت تک، کوئی نکال سکتا ہے؟ اور جو کہتے ہیں اس بات کو یہ نہ کہو، وہی جھوم جھوم کے پڑھتے ہی آ جاتا. پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پورے ہل ہل کے آئے پڑھتے ہیں نو کا بیٹا. اچھا ٹھیک ہے صاحب، اب میں آپ سے ایک بات پوچھا چاہ رہا ہوں. دو باتیں جمع، یہ کہہ رہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ بہت اونچا، چونکہ باغی تھا بغاوت کر کے چلا، رسالت سے بغاوت کی، تو یہ بچا کے ڈوبا.
का डूब गया, कहां तक पहुंचा तूफान, पानी कहां तक पहुंचा, पहाड़ चौड़े पर पहुंचा ना, और बेटा डूब गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे फैसला करके बताना, पहले पहाड़ डूबा या ये डूबा? फैसला दे रहा हूं बहुत बड़ा, पहाड़ डूबा कि ये लड़का का? पहले पहाड़ डूबा, पहाड़ किस बुनियाद पर डूबा? एक आयत दिखा दो कुरान में कि हजरत नूह से पहाड़ से कहा हो कि तू कश्ती में आ जा, तो पहाड़ से तो कहा नहीं था, पहाड़ क्यों डूबा? बागी था बेटा, इसे डूबना चाहिए था, पहाड़ क्यों डूबा? तो जो चार, अच्छा पहले पहाड़ डूबा, तो कुरान बताने ये चाहता है कि बुरे ही नहीं डूबते, जो बुरों को पनाह दे वो पहले डूबते हैं। जालिम ही ले जाएगा, जालिम ही जहन्नम में नहीं जाएगा। जालिम के जो तरफदार है ना, और जा सॉफ्ट कॉर्नर है जरा सा, बचेगा नहीं कोई भी। तो जालिम ही नहीं, जालिम का हिमायत ही पहले जाएगा। कब बेटे आ जा, वो कह रहा नहीं आऊंगा, कहां जाएगा फिर? कसा लिया ना जबलिम, यहां से बोली बाबा कश्ती में नहीं आऊंगा, पहाड़ पे जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने कहा ला सबल यौमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहमा, लड़के मेरे बेटे लगते जिगर नूरे नजर, इस बात को ध्यान में रखना कि आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा पाएगा। मेरी बात पहुंच रही है ना आप तक पूरी बात? क्या कहा जनाब नूह ने? अल्लाह का रसूल क्या कह रहा है? पैगंबरे खुदा साहिब शरीयत साहिब कानून उलिल अज़्म पैगंबर नजीउल्लाह रसूल क्या कह रहा है कि ला सबल यौमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, आज के दिन तो अजाब से कोई बच ही नहीं सकता, वही बचेगा बस जिस पर मेरे अल्लाह का रहम हो जाए। एक ऐलान कर दिया हजरत इन्होंने, मैं आपके दिलों को हिलाना चाहता हूं और कुरान मजीद घोल घोल के आपके दिलों में डालना चाहता हूं। नूह ने एक ऐलान कर दिया कि आज कोई नहीं बचेगा, ला आसेमा, आज कोई नहीं बच सकता, बचेगा कहां? कश्ती में, कश्ती के बाहर नहीं बच सकता, कश्ती में आएगा तो बचेगा, कश्ती को छोड़ने वाला कोई भी हो बचेगा नहीं। आज बचाव का मरकज है कश्ती। तवज्जो चाह रहा हूं, माशाल्लाह जी, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा हूं मैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं ना मजलिस। जनाब नूह ने चैलेंज कर दिया, ऐलान कर दिया, अनाउंसमेंट कर दिया, आज कोई नहीं बचेगा, जो कश्ती के बाहर होगा वो बचेगा नहीं, कश्ती के अंदर जो होगा वो वही बचेगा। जैसे ही यह ऐलान किया तो एक कैफियत अजीब है साहब, अब जो मुड़कर नूह ने देखा कश्ती, तो शैतान भी बैठा है। नहीं समझे आप? हजरत नूह में मुस्कुरा के कहा, अच्छा आप भी है का सरकार, आप ही ने तो कहा कोई नहीं बचेगा, शैतान को भी यकीन है रसूल की बात पर। नहीं सब नहीं जा रही है किनारे 3500 किनारे हैदरी। ये बात तो मैंने कह दी, मगर कोई यही थोड़ी है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने जहनों में उतारिएगा, कौन है शैतान, शैतान कौन है? तौहीद का अपोजिशन, तौहीद के सिस्टम के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा है शैतान। सारे नबियों के मुकाबले पर आ, लेकिन आज एक नबी कह रहा है, एक रसूल कह रहा है कि आज बचेगा कोई नहीं। मैं ये कहता हूं कि कश्ती में कोई भी आ जाता, शैतान को आने की क्या जरूरत थी? शैतान क्यों आया? जरा सब्र करिएगा, फिक्र करिएगा जी, ऐलान हो गया ना, मगर इसके लिए थोड़ी था ऐलान, इसके लिए इसलिए नहीं था ऐलान। आप पढ़िए, जब इसने आदम के सजदे से इनकार किया था और ये चला था वहां से बारगाह इलाही से,
तो इसने कहा था परवरदिगार मेरी इबादतों का सिला का क्या चाहता है, कयामत तक की जिंदगी दे दे। अल्लाह ने कहा था एला योमिल वक्तिल मालूम, वक्ते मालूम तक की जिंदगी दे दे। तो कब तक ये जिंदा रहेगा? वक्ते मालूम। नूह का तूफान वक्ते मालूम नहीं है, जरा जाके ये वक्ते मालूम क्या है पता है किसी को? वक्ते मालूम क्या है? वक्ते मालूम, वक्ते मालूम कयामत भी नहीं है। वक्ते मालूम क्या है? मालूम किसको कहते हैं भाई? मैंने कहा भाई मुझे जरा जाना हुसैनी मिशन, 10-20 खड़े हुए हैं यंगस्टर, उनका हम तो जानते नहीं, लेकिन जो जाने का कहेगा मुझे मालूम है। ये मालूम होने का मतलब क्या होता है? नॉलेज में, इत्तला में हो। अल्लाह कह रहा है वक्ते मालूम, हम 72 के 72 फिरकों के पास पहुंचे, मौली साहब ये वक्ते मालूम क्या है? कहा हमें नहीं मालूम। कुरान कह रहा है मालूम, मुल्ला कह रहा है नहीं मालूम। तो जिसे कुरान का मालूम नहीं मालूम, तो साहब अगर ज्यादा तोला भी बात ना हो, ये अल्लाह की बारगाह से लाइफ लेके चला। लाइफ तो बड़ी लंबी मांगी थी इसने, लंबे अंजिरनी एला योमे युबासून, परवरदिगार जिंदगी दे दे कयामत तक की। अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुंजरीन एला योमिल वक्तिल मालूम, कयामत तक की तो नहीं मिलेगी जिंदगी, वक्ते मालूम तक की ले ले। अब मैं बताऊं वक्ते मालूम क्या? वक्ते मालूम है जब ईसा आसमान से आएंगे और जहरा का चांद जमीन से निकलेगा, दोनों मिलके शैतान को कत्ल करेंगे। वक्ते मालूम है वक्ते जहूर, तो जो चारो जब आपका बार बार जहूर करेगा वही है वक्ते मालूम। तो अब इतने भोले तो है नहीं आप जो ये बात भी ना समझे, जिंदगी कब तक गई शैतान की? वक्ते मालूम तक, यानी जब तक आखिरी ईमान का जहूर नहीं होगा शैतान को कोई मार नहीं सकता। तो जब जिंदगी अल्लाह की बारगाह से मिल गई और नूह कह रहा है कि मेरी कश्ती में आओ, जो नहीं आएगा वो जिंदा नहीं रहेगा, तो शैतान को कहना चाहिए था हू आर यू, नूह आप क्या है? मैं तो अल्लाह से जिंदगी लेके आया हूँ। इसका मतलब ये कि शैतान को मालूम था कि मासूम की जबान की हरकत पर अल्लाह अपना कानून बदल सकता है। आजा बेटे आजा आजा, बहुत खूब जी, कश्ती में आ, बहुत खूब, नहीं आऊंगा, बहुत खूब, नहीं आ सकूंगा। अब बड़ी परेशानी की बात है और बड़ी कैफियत भरी ये गुफ्तगु है। अब साहब तूफान बढ़ा चढ़ा ऊपर गया, लड़का घड़ा है इत्मीनान से, बाप कह रहा है आजा लगते जिगर आजा। नबी का दिल है भाई, रसूल का दिल है, कितना नर्म दिल होता है रसूल, तो रसूल होता है ना, कैसे कैसे बदतमीजों को बर्दाश्त करता है। पत्थर खा के दुआएं देता है, कांटों पे चल के दुआएं देता है, रहमतुल आलमीन होता है, रहमत होता है रसूल। अब कमाल है साहब, वो कहा नहीं आऊंगा। पानी बढ़ा पंजों से ऊपर आया, पिंडलियों तक, घुटनों तक, जानों तक, नाफ तक, सीने तक, अभी तक मस्ती में है लड़का, दान तक आ गया, अभी सांस ले रहा है, ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे नाक के नथनों तक पानी आ रही है तड़पा। तो अब जाके पढ़िए कुरान की आयत 45, 46, 47 भी आयत है, 45, 46, 47 सूरा नंबर 11 सूरा हूद जाके पढ़िएगा। जैसे बच्चा तड़पने लगा तो रिसालत के लबों पर दुआ आ गई, काला नूहुन नादा नूहुन रब्बहू, जनाबे नूह ने अपने रब को निदा दी, पुकारा रब्बे इन्नबनी मिन अहली, परवरदिगार ये मेरे अहल से है, वह इन्नवादा का हक और तेरा वादा हक है। तो कोई वादा था अल्लाह का, अल्लाह का वादा यह था तूफान आए
जाती मजलिस, मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। अरे भाई इससे कोई डिनाय कर सकता है, कोई इनकार कर सकता है? नूह खुद कह रहा है दो बातें, इन्ना इब्नी, ये मेरा बेटा, मिन अहली, मेरा अहले बैत, बेटा प्लस अहले बैत, दो टाइटल दे रहा है रसूल, ये मेरा बेटा भी है और इन्ना के साथ बेशक ये मेरा इब्न, मेरा बेटा, वह मिन अहली और मेरा अहले बैत। अल्लाह ने पलट के जवाब क्या दिया, ये तेरा अहले बैत नहीं, बेटा है, अहले बैत नहीं। इसका मतलब यह है बेटा होना माना, अहले बैत होना नहीं माना। क्यों नहीं माना? एक बार तो बेटा अहले बैत में नहीं रहा, अरे क्या कहूं मैं, समझो चेहरा डूब गया। अगर अहले बैत होता तो मैं डूबता, अच्छा बेटा ही थोड़ा ही डूबा, इस बेटे की माँ भी डूबी जो नूह की बीवी थी, बीवी भी डूब गई। तुम तो कहते थे बीवी अहले बैत में, बेटा अहले बैत में। अल्लाह आज बताना चाहता है दोनों को डुबाऊंगा, और पहले से वादा है जो अहले बैत में होगा उसे नहीं डुबाऊंगा। तो अगर बीवी अहले बैत में होती तो डूबती नहीं, अगर बेटा अहले बैत में होता तो डूबता नहीं, दोनों अहले बैत में नहीं रहे। क्या हुआ? जो अहले बैत से खारिज हो गए। अरे बेटा होके भी अहले बैत में ना रहा, बीवी होके भी अहले बैत में ना रही, बीवी है मगर अहले बैत में नहीं, बेटा है मगर अहले बैत में नहीं। भाई कैसे उतरू आपके दिनों में और कैसे समझाऊ आपको? नूह कह रहा है ये मेरा अहल है, अल्लाह कह रहा बेटा है मगर अहल नहीं। कायनात की कोई कौम, कोई लुगत, कोई डिक्शनरी, कोई आलिम और कोई फिरका इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बेटा अहले बैत में होता है, मगर कुरान कह रहा है नूह का बेटा नूह के अहले बैत में नहीं। क्या पॉइंट है वो जिसने नूह के बेटे को अहले बैत ना रहने दिया? तो अब बताया कुरान ने, अरे इसलिए नहीं रहा, ये नबी को छोड़ के पहाड़ पे चला गया, तो चलो बेटा तो पहाड़ पे गया, बीवी क्यों नहीं रही? कब वो घर से निकल के मैदान में आ गए? मैं कुछ कह रहा हूं और समझ में बता दिया ना? दो चीजें, दो एग्जाम्पल कुरान मजीद ने रखी। बेटा अगर पहाड़ पे चढ़ जाए नबी को छोड़कर तो अहले बैत में ना रहे, और बीवी अगर मैदान में आ जाए घर छोड़कर तो अहले बैत में ना रहे, तो ये नूह के लिए बात है? हम यही तो कहते हैं मोहम्मद के लिए भी तो यही बात होगी। जो बड़ी गहरी है। क्या बात? और ये मैं कुरान के मुताले की बुनियाद पर बता रहा हूं आपको। सब आप मेरी तरफ देखें, अगर आपने मिस कर दिया तो जिंदगी भर आपको एहसास रहेगा और अफसोस भी। जनाब नूह ने बड़ी एहतियात के साथ लफ्ज कहा था, अल्लाहुम्मा इन्ना इब्नी, वलदी नहीं कहा, इब्नी कहा। वलद में और इब्न में फर्क है। अरबी जब पढ़ेंगे आप, रियल बेटे को कहते हैं वलद, और इब्न उसको भी कह देते जिसे पाल लिया जाए। आज तक मौर्खीन ने नबूवत पर बड़ा जुल्म किया। कुरान की जो तफसीर उठाई हमने, जिसकी भी उसमें मिला नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा। अब मैं मेंबर से कह रहा हूं ये नूह का बेटा था ही नहीं, नूह का बेटा क्या सुनते आए आज तक? हजरत नूह ने दो बातें कही, इन्ना इब्नी मिन अहली, परवरदिगार ये मेरा बेटा मेरे सुल्ब से है। मैं कर रहा हूं तर्जुमा, बाद में परेशान ना होइएगा, अभी पूछ लीजिएगा। क्या कहा हजरत नूह ने? माबूद ये जो डूब रहा है मेरा बच्चा, ये मेरा बेटा मेरे सुल्ब से है, मेरे नस्ल से है, नस्ल से। इससे आसान तर्जुमा हो सकता है कुछ?
यानी ये मेरा रियल बेटा है, जैसे कहे मेरा रियल बेटा। अल्लाह ने कहा नहीं, लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारा रियल बेटा नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तो किसी और का नतीजा है। जमा कर रहा हूं, जर निकल लिया अपने वजूद से बाहर निकल लिया। आप तो इस कदर डूब जाते हैं भाई, बाहर निकल के आइए, हुआ क्या कुरान के साथ और मासूमों के साथ, क्या साजिश की गई दुनिया में? इसराइली साजिश का पर्दा उठा रहा हूं। ये हजरत नूह का रियल बेटा है ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने कहा लैसा मिन अहलिक, इन्नहु अमलुन गैरो साले, ये तो एक खुद ऐसी करतूत है जो सरासर नजिस है। इससे ज्यादा तो नहीं गिर सकता तर्जुमे में। क्या है भाई ये? अमलुन गैरो साले। देखिए मंजूर भाई, देख रहे ना मंजिल, आप भी बिठाया कीजिए 15-20 आदमी, कमाल है। अजीब सी बात है, हजरत नूह कह रहे हैं ये मेरा बेटा मेरे अहल से, अल्लाह कह रहा है बेटा तो है, इब्न है, पाला है तुमने, मगर ये तुम्हारे अहल से नहीं है, रियल बेटा नहीं। और फिर कहते हैं ला तस अल्ले लैसा लगा बहिल्म इन्नी आयतों का अंतकुना मिनल जाहिलीन, नू हमसे वो सवाल न किया करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं कि जाहिल ना बनो। डांट दिया नू को। नू ने कहा क्या था, कौन सा सवाल किया था भाई? सवाल ये तो किया था मेरा बेटा मेरे अहल से है, अल्लाह ने कहा तुम्हें जिसका इल्म नहीं उसकी बात क्यों कर रहे हो, अब मुझे समझा दो क्या बात है। नूह समझ रहा था अपना बेटा, वो था ही नहीं नूह का, था किसी और का, नहीं समझे आप? नूह की बीवी का बेटा था, नूह का बेटा नहीं था। अब इससे ज्यादा क्या आ रही है समझ में बात? अगर कहीं ना बोलते हो तो यहां भी ना बोलिए, और अगर हर मौके पर बोलते हो तो फिर फजाइल के मौके पर खामोशी क्यों? अब जरा समझिएगा, दो बातें हैं, अल्लाह ने कहा ये नहीं है तुम्हारा बेटा नहीं है, तुम्हारे सुल्म से, तुम्हारी नस्ल से, तुम्हारे अहल से, तुम्हारा रियल सन ये बेटा है ही नहीं, है नहीं ना। तो फिर क्या हुआ भाई, ये घर के अंदर रहने वाली नबी की बीवी राबेया की करतूत थी और उसकी गलत रविश थी, न जाने कहां से लाई। मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, ये नूह का बेटा नहीं था, नूह के घर में जन्म दिया थी किसी और की अमानत, डाल दी जनाबे नूह के खाने में डाल अल्लाह का नबी, जब परवरिश पाई तो नतीजा क्या हुआ, चूंकि सही नस्ल नहीं थी लिहाजा नबी के मुकाबले पर आ गया। और जो चाह रहा हूं, तो जिसके बाप की खबर ना हो वही मासूम के मुकाबले पर आता है, जिसका बाप मालूम ना हो वही मासूम के मुकाबले पर आता है। तो था बीवी का बेटा, हर एक ने लिखा नूह का बेटा, शियों ने, उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, सब यहाँ पर ठोकर खाए हैं, हर एक ने लिखा था नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा। मैं बहत्तर फिरकों की बात क्या करूं, मिल्लत जाफरिया के हर मुफस्सिर ने, हर मुतरजिम ने, हर कुरान लिखने वाले ने, हर तारीख लिखने वाले ने, हर तफसीर लिखने वाले ने, हर रवायत लिखने वाले ने, हर हदीस लिखने वाले ने, हर वाकया बयान करने वाले ने यही कहा, नूह का बेटा, नूह का बेटा, नूह का बेटा डूबा, नूह का बेटा डूबा। यानी नूह के बेटे की बर्बादी जो थी वो नूह के मध्य मर दी गई, अल्लाह को जता ला गया कि मेरी मासूम रिसालत बदनाम हो रही, कारनामा है औरत का बदनाम हो रहा है नूह। उसी दिन से अल्लाह ने कानून बना दिया, अब मैं नबी की गलत बीवी को औलाद दूंगा ही नहीं। सलमान पड़े बाप बता, बेटा किसका?
बेटा है बीवी का, नाम किसके? नूह के। कुदरत को तैश आ गया, जलाल आ गया, मेरे नबी का तो कुछ इसमें फॉल्ट है ही नहीं, और नथी कर रहे हैं नूह के साथ। अल्लाह ने कानून बना दिया, अब गलत बीवी को हम नहीं देंगे औलाद। कितनी बड़ी बात थी, अब कितने हाजमा दुरुस्त है आपका। सलवात कितना पढ़िए, सलवात जैसे सलवात। बोला कीजिए, जब सलवात हो सलवात से शैतान भागता है। सलवात से निफाक दूर होता है। बेहाजल बलद भूल गए, बड़ी बात है। अर्रहमान अल्लबल कुरान खलकल इंसान, पहले कुरान पढ़ाया और फिर अल इंसान को पैदा किया। कौन है वो अल इंसान? अल इंसान कौन है? मुझे डर लग रहा है अब पढ़ते हुए, चूंकि जितनी बड़ी बात मैं पढ़ रहा हूँ उतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा मुझे। माशाल्लाह जी, ऐसा लगता है जैसे जहन छोटी छोटी बातें सुनने के आदी हो गए, ऐसा ही लगता है। हाँ और क्या, बिल्कुल चेहरे बताना। फजाइल अहले बैत की जहाँ बात आए ना, और मारफत की जहाँ बात है, वहां तो चेहरे गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए। अब अजीब माहौल बना लेते हैं। क्या कहा? एक है इंसान, कौन है जिसे कुरान पढ़ा के पैदा किया? सारी कायनात जाहिल पैदा हुई मगर अल इंसान सबसे मखसूस, सबसे हसीन, सबसे अजीम। कौन है सबसे हसीन इंसान? तो जो चाह रहा हूं, अगर आप हुस्न की मंजिल में आएंगे तो आपको ले दे के पूरा स्ट्रगल करने के बाद मेरे हुस्न पर एक हसीन मिलेगा, उसका नाम है यूसुफ। यूसुफ हसीन है, यूसुफ कितना बड़ा हसीन, कितना हसीन है भाई, हुस्न का क्या कमाल है यूसुफ के, हसीन है ना। अब आप फंसेंगे बहुत बुरी तरह। जी जनाबे यूसुफ ब्यूटीफुल, बड़े हसीन, बहुत खूबसूरत, मगर होंगे भाई खूबसूरत होंगे, कितने खूबसूरत होंगे। खालिक हुस्न ने अपना शाहकार बनाया हजरत यूसुफ को, तो अब हुस्न की तारीफ मर्द नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, मर्द जानता ही नहीं हुस्न क्या है। आइए मिस्र के बाजार में आइए, फिर वहां से दरबार में गुजरिए, जब जुलेखा पर बहुत ज्यादा बौछार होने लगी तो उसने कहा चलो आज खत्म करते हैं किस्सा। मिस्र की बड़ी बड़ी औरतों को बुला लिया, रॉयल फैमिलीज की औरतें, कि सब आओ मेरे यहां दावत। और जब सबको बुलाया, उधर से जनाबे यूसुफ से कहा सरकार गलती तो मुझसे हो ही गई थी, मगर आप तो अल्लाह के रसूल हैं, माफ कर दीजिए मुझे, एक जरा सा गुजर जाइए मेरे घर के पास, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा सब कुछ बन जाएगा। का किस्सा क्या है? का मैंने कुछ औरतों को बुलाया, दिल संभाल लो अपना, मैंने कुछ औरतों को बुलाया, क्या चाहती क्या है? अल्लाह के नबी मैंने सबको एक एक छुरी दी है और एक एक ली है। क्या हजरत यूसुफ को नहीं पता था क्या होने वाला है? एक एक जहन खोल ले अपना, आप जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये रवायत नहीं पढ़ रहा हूँ, हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, बनी उमैया की 10 साल की गढ़ी हुई कोई नाबिल नहीं है। कह रहा था ना फंसे
जाएंगे। मिस्र की बड़े खानदानों की औरतें बैठी है, शहजादी ने एक एक छुरी एक एक लीमू दे दिया। सुनिएगा, अब मुझे नहीं पता कौन जग में आएगा कौन नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। छुरी और लीमू क्या करना है? जुलैखा ने उन औरतों से कहा, जब मेरा यूसुफ आए तो तुम्हारा एक काम है कि लीमू काटना छुरी से। इसका मतलब यह कि इल्म जुलैखा को भी था। चलो जुलैखा को ना हो, यूसुफ को तो था कि क्या होने वाला है। लीमू के बजाय उंगलियां कटना थी। तवज्जो, पढ़िए जाके सूरह यूसुफ। अब साहब जैसे ही हजरत यूसुफ निकले, फलम्मा रायनहु अकबरनाहु, जैसे ही मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर, क्या हुस्न है, क्या खूबसूरती है। उधर जुलैखा ने कहा, मैंने ये नहीं कहा था कि तारीफें करो, अपना फरीजा अंजाम दो। कचा करे छुरियों का छुरी को काटो, छुरियों से चेहरे पे यूसुफ के नजर, छुरी लीमू पर, लीमू तो कटे नहीं, उंगलियां कट गई, खून बह गया। ये तो समझाना चाह रहा हूं शाहजी, सब इसी तरह समझ जाए। और करिएगा, चली छुरी, कटा लीमू नहीं, उंगलियां। फलम्मा रायनहु अकबरनाहु वकत्तअना अयदियहुन्ना वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरन इन हुवा इल्ला मलकुन करीम। सब औरतों ने अपने हाथ काट डाले और हाथ काटने के बाद फौरन कहा, अरे खुदा की कसम ये बशर नहीं है। नहीं समझे आप? कैसे इनकार किया? मा हाज़ा बशरन, ये बशर नहीं है, ये बशर नहीं है, ये बशर नहीं है। अरे बेगैरत मुसलमानों, मिस्र की गलियों में आ जाओ, नबी को औरतें कह रही है ये बशर नहीं है। परवरदिगार ने बोलने की तौफीक दे दे जरा, जो पर रहा अजीब मंजिल है, अजीब कैफियत। क्या कहा? मा हाज़ा बशर, ये बशर नहीं है, बशर नहीं है, बशर नहीं है। औरतें तो नबी को बशर नहीं कहती, ये कैसे मर्द है जो नबी को कहते हम ही जैसा बशर। मिस्र की औरतों से सबक ले लो, ये बशर नहीं था भाई। फिर क्या था? सारी बातें अपनी जगह पर, नमाज क्यों पढ़ रहे हैं आप? बिस्तर अच्छा नहीं लगता सुबह को? मैं तो इंडिया से आया हूँ भाई, गर्म मुल्क से यहाँ की सर्दी सता रही है, बड़ी मुश्किल से पढ़ता हूँ सुबह की नमाज, कई बार सोचना पड़ता है लिहाज छोड़ने के लिए। क्यों? मगर पढ़ूंगा इसलिए कि मेरे अल्लाह का हुक्म है। कहाँ लिखा है? कुरान में, तफसील के साथ के इशारे में, का इशारे में, इशारे पर इतना अमल, और ये इतना बड़ा वाकया जो लिखा, क्या हुआ है? क्या यूसुफ को नहीं पता था? जुलेखा ने जो कुछ किया कि छुरी चलेगी, उंगलियां कटेगी, खून बहेगा, तो अगर खून बहाना अच्छा नहीं था, अभी कंप्यूटर में मलिश पड़ी है किसी बेहुदे ने जी, मैं उसको बताना चाह रहा हूं आपके हवाले से। गौर करिएगा, क्या हजरत यूसुफ को पता नहीं था कि उंगलियां कटेगी खून बहेगा? इल्मे गायब नहीं था? अच्छा चलो, यूसुफ को इल्मे गायब नहीं था, उंगलियां कट गई, खून बह गया, वाकया हो गया। ये औरतें नमाजी थी, परहेजगार, मुत्तकी, हाजी, मोमिनाएं थी, कह गई सारी काफिर, तो काफिर औरतों का खून कैसा होगा? ये अमल कैसा होगा? अल्लाह ने कुरान बना के कयामत तक महफूज क्यों कर दिया? अरे भुला देता, रख देता अलग, कहीं गलत रस्म न पड़ जाए। और फिर काफिर औरतों का खून था, तो जो जा रहा हूं
ساری عورتیں کافر ہیں مگر چونکہ یوسف کی محبت میں انگلیاں کاٹی نہیں سمجھ رہا خون بہ گیا تو اللہ نے قرآن بنا کے رکھ لیا تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ معصوم کی محبت میں اگر کافر بھی خون بہا دے دکان کھولنے والے ان ذرا فتووں کی دکان کھولنے والے اور ماتم شبیب کے خلاف دکان کھولنے والے ماتم ہو سینے کا یا پھر ماتم زنجیر کا ماتم ہو سینے کا یا پھر زنجیر کا کیا جاتا ہے تیرا تو تو پتر ہے خنزیر یہ منزل خون عورتوں نے بہایا کٹی انگلیاں فقط تانا ہے دیا انہیں قرآن لکھا ہوا تو محبت میں ہی تو بہایا تھا نا خون تو سند مل گئی نس مل گئی لوگ پوچھتے ہیں نس کیا ہے خون بہانے کی یہ کیا ہے یہ کیا یا تو کافر عورتیں بہا رہی خون اللہ مقام مدح میں لکھ رہا ہے مذمت میں تو کافروں کی مدح کی ہے خدا نے ان عورتوں کی مدح کی ہے جنہوں نے معصوم کی محبت میں خون بہایا یہ ہے قرآن کی سند بڑی مشکل ہو جائے گی بہت سی چیزوں کی سند نہیں ملے گی یا سند ہے یہ چیزیں کرتے ہیں مگر ہمارے یہاں کیا ہے ہمارے یہاں انٹرسٹ بہت جلدی ہوتا ہے شخصیت پر قرآن کی منزل یہ ہے اور پھر ارے بھائی انگلیاں کٹوانا تو کیا حسین کا اور کربلا والوں کا معاملہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ متوکل کا دور پڑھا ہے متوکل کے دور میں دو بیٹے ہوتے تھے ایک ماں کے اور ماں زیارت پہ جانا چاہتی تھی تب متوکل ظالم کہتا تھا ایک بیٹے کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ اس کی لاش پہ سے اتر کے جا تو ذبح کیا جاتا تھا بیٹا ماں لاش پہ سے اتر کے جاتی تھی زیارت کے لیے تو حسین کے معاملے میں تو یہاں تک جائز ہے بھائی ماں کا دور ہے اگر غلط ہوتا تو منع کر دیتے امام سے بڑا ہوتا ہے کیا مشکل یا کوئی مولوی نہیں ہوتا امام جو کہہ دے وہ اپنی جگہ پر اچھا کربلا کی ماں نے کیا کیا اپنے بیٹے کو کسی کو عزیز جانا حسین پر قربان حسین پر قربان اور یہی نہیں میں رام پڑھ رہا تھا حضرت حر نے کس طرح کہا تھا ختم ہو گئی ٹائم ہو گیا بہت ایک گھنٹے سے زیادہ بس اب ذرا منزل دیکھیے گا اور محسوس کیجیے گا میں کہاں لا رہا ہوں آپ کو جب جناب حر نے امام حسین کی بارگاہ میں باریابی کا شرف حاصل کیا اور امام نے ضیافت کے لیے اس کو بازو سے پکڑ کر خیمے تک لائے ہیں تو حر نے یہی کہا تھا مولا مجھے ضیافت کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے کو آپ مرنے کی اجازت دے دیں اور جب امام نے کہا نہیں بوڑھے باپ کے سامنے جوان بیٹے کا مرنا یہ بہت بڑا سانحہ ہے اور میرے نانک کی شریعت میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے تو حر نے جملہ کہا مولا اس کا مطلب ہے کہ آپ راضی نہیں ہیں میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو امام حسین نے جملہ کہا حر تو ہماری بارگاہ میں آیا فاطمہ کے لال کی خدمت میں علی کے بیٹے کے دربار میں آیا کہاں آیا تو ہوں پھر دل میں تیرے کیا فکر اٹھ رہی ہے کیا سوچ ہے دماغ میں یہ بتا کبالا سوچ یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار ہوں میں اس لیے کہ فاطمہ کے لال کو گھیر کر کربلا میں لایا مجھے پتا ہے کہ آج دوپہر تک زہرا کا چمن اجڑ جائے گا نبی کا باغ تاراج ہو جائے گا ہر ایک کل جبا ہو جائے گا علی اکبر نہ رہیں گے علی اصغر نہ رہیں گے زینب کے لگتے جگر شہید ہو جائیں گے حسن کا یتیم پامال ہو جائے گا ام البنین کا چاند شانے کٹا کے سوئے گا مولا مجھے پتا ہے یہ ساری بات ہے مجھ سے بڑا گناہ گار نہیں کیا مولا اتنا بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے سنیے امام حسین نے کہا بیٹھ کیا سوال کیا کہ مولا اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا حور میں نے معاف کیا اور میرے خدا نے معاف کیا بس اسی پر مجلس تمام ہے
ये बताइए मुझे, वारिस कायनात जन्नत के जवानों का सरदार सनद दे रहा है हुर को, कितनी बड़ी सनद, मैंने माफ किया और मेरे खुदा ने माफ किया। इस सनद को लेकर हुर की औलाद कयामत में नबियों पर फख्र करेगी कि वह वो हैं जिनको हुसैन ने सनद वफा दी है, सनद तो जो चारो माफी हमें दी है, किसने, हुसैन ने, और जिम्मेदारी ली है अल्लाह की माफी की, इससे बड़ी माफी हो सकती है? मगर रवायत ये कहती है कि जैसे हुसैन ने कहा मैंने माफ किया और मैंने खुदा ने, तो हुर खड़ा हो गया और रोने लगा और इतना रोया कि रीशे मुबारक आंसुओं से तर हो गया, तर दाढ़ी से आंसू तजावुज करके दामन तक आ गए। हुर की जब ये हालत देखी तो हुसैन ने कहा हुर रोने का सबब किस लिए रो रहा है, तेरे गुना माफ, मैंने माफ किया, अल्लाह ने माफ किया। कहा मौला यही अदा तो रुला रही है कि आपने भी माफ कर दिया और आपके खुदा ने भी माफ कर दिया, कभी रोने का क्या सबब, इससे बड़ी सनद हो सकती है कोई, का नहीं सनद तो नहीं हो सकती, फिर रो क्यों रहा है। का मौला मुतमईन नहीं हूं, कितनी बड़ी बात कह रहा है, का मुतमईन नहीं, क्या मतलब, जब मैंने माफ कर दिया और मेरा खुदा ने, तो फिर मुतमईन क्यों नहीं। का तो मौला सुनिए, मैं आप दो ही का गुनाहगार नहीं हूं कि आप दोनों के माफ करने पर मुतमईन हो जाऊं, कि अल्लाह का गुनाहगार था या हुसैन का गुनाहगार था, हुसैन ने भी माफ कर दिया और अल्लाह ने भी माफ कर दिया और मैं मुतमईन हो जाऊं। हुसैन ने कहा फिर क्या बात है, कहा मेरा गुनाह और आगे है, मैं किसी और का गुनाहगार हूं। अब हुसैन तड़प के उठे, हुर बता किसका गुनाहगार है। कहा मौला अगर दोनों ही का गुनाहगार होता तो मुतमईन होके बैठ जाता, लेकिन जब दो मुहर्रम को मैंने आपके घोड़े की लगाम पे हाथ डाला था ना, तो महफिल से ज़ैनब के रोने की आवाज आई थी। सैदानियां रोई थी, मैंने नबी जातियों को रुलाया था, माने फातिमा की बेटियों को रुलाया था, हाशमी खवातीन तड़प तड़प के रोई थी महफिल में मेरे इस कारनामे पर। फिर क्या बात है, हो कह देखिए आपकी माफी और आपके अल्लाह की माफी अपनी जगह पर, लेकिन जब तक ज़ैनब माफ ना कर दे मुझे इत्मीनान नहीं मिल सकता। कभी क्या चाहता है, कह ज़ैनब से माफी दिला दीजिए, बोला करीम बाप की करीम बेटी है, मुझे जरूर माफ कर देगी, बुलाया करिए आप, सोचिएगा। हुसैन ने कहा चल मैं ले चलता हूं तुझे ज़ैनब-ए-औलिया मुकाम की बारगाह में, कमाला चलूंगा तो मैं आपके साथ, लेकिन जब 20 कदम का फासला रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि ज़ैनब का खेमा आ गया। का क्या करेगा, कमाला गुस्ताखी ना हो जाए, जैसे चले हुर को लेके इमाम और 20 कदम का फासला रह गया तो मेरे मौला ने कहा हुर वो है ज़ैनब का खेमा। हुर ने अमामा उतारा सर से, बालों को परेशान किया, गरेबान को चाक किया, आस्तीनों को उल्टा, खाके करबला उठाई, अपने बालों में डाली। आप समझ रहे होंगे पैरों से गया, कदमों से गया, नहीं, कोहनियों और घुटनियों के बल चला ज़ैनब के खेमे की तरफ। और जो चला तो अभी चंद गाम चला था, चंद कदम चला था कि खेमे से दो बच्चे निकल के आए और उन्होंने आके नन्ही नन्ही पेशानियों पर, चांद जैसी पेशानियों पर नूरानी हाथ रख के आगे बढ़ेगा, मामू और अम्मा ने सलाम कहा है। मामू हो अम्मा ने सलाम कहा है, जैसे ही ये जुमला सुना हुर खड़ा हो गया। मौला ये बताइए बच्चे किसके हैं, तो हुसैन ने रोते रोते कहा हुर जिस बीबी से माफी मांगने जा रहा है ये उसी के लगते जिगर है। अरे कलेजा पगड़ा, मदीने का रुख किया और कहा या रसूल अल्लाह आपकी औलाद पर ऐसा वक्त आ गया कि हम जैसे गुलामों को भाई कह के खिताब किया जाए, जरा करबला में आए, ए अल्लाह के रसूल आपकी ज़ुर्रियत पर क्या वक्त है, ज़ैनब परेशान है, सकीना रो रही है, ए रसूल आपकी ज़ुर्रियत पे ये वक्त आ गया।
سيعلم الذين ظلموا يا منقلبين ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. پروردگار عالم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ, ہمارے گناہ صغیرا و کبیرا معاف فرما, اہل بیت کے چاہنے والی یہ عزادار دنیا میں جا کہیں بھی ان کی حفاظت فرما. آج کراچی میں جو حادثہ ہوا ہے پروردگار ان کے بھروسہ کو صبر جمیل عطا فرما, اور ان کے جو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کو درجات عالی سے نواز, اہل بیت کے جوار میں ان کو اعلی مقام کرامت فرما, دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے, بابود جو بیمار ہیں ان کو سید سجاد علیہ السلام کے صدقے میں شفا عاجل اور صحت کاملہ عطا, بابود ہم سب کی حاجتیں بھرنا, ماتم حسین.